पालक की फुली फुली पूरियां स्वादिष्ट होने के साथ बहुत ही हेल्दी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की फुली फुली पूरियां। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पालक की फुली फुली पूरियां। तो पालक की पूरियां बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम ऑफ पालक, जिसे मैंने अच्छे से धो करके इसके जो मोटे वाले डंठल है सब मैंने हटा करके ले लिया। ये 200 ग्राम ऑफ पालक है। अभी एक कढ़ाई में मैंने 2 कप पानी लिया है। पानी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम धुले हुए पालक डाल देंगे और इसे हल्का सा नरम हो जाने देंगे। तो मैंने इसे डाल करके अच्छी तरह चमचे की हेल्प से पानी में अच्छी तरह इसे डुबो दिया है और जैसे ही नरम होगा इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो हमारे पालक है नरम हो गए हैं। एक बार इसे मिक्स कर देते हैं वापस से। अभी पालक हमारे रेडी हैं तो इसे बाहर निकाल लूंगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक छन्ना रखा है, छन्ने के ऊपर पालक को निकाल कर छान लेंगे। छानने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कि पालक की ओवर कुकिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। इससे पालक का हरा रंग बरकरार रहेगा। अभी ठंडा हो जाने के बाद पालक को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है। एक पिंच हींग डालेंगे, 2 हरी मिर्च डाला है मैंने, 7 से 8 लहसुन डालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया पत्ता। सारी चीज़ों का एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें, क्योंकि इसका हमें डो लगाना है। तो जो इस पेस्ट बनाएंगे एकदम ही स्मूथ होना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे, अगर कोर्स रहा तो वापस से इसे पीस कर लेंगे। तो हमारा स्मूथ पेस्ट रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें मिला देंगे 3 चम्मच बेसन। यकीन मानिए बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया पूरियां बनके तैयार होती है। 1 चम्मच अजवाइन को मैंने हाथों पे क्रश करके डाला है। अभी इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और जो हमारा ये प्योरी है मिक्सी जार में, इसे डाल करके इसका अच्छा सॉफ्ट डो, सेमी सॉफ्ट डो, नॉर्मली जैसे हम पूरिया के लिए लगाते हैं उस तरीके से डो लगा के तैयार करेंगे। इसमें अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पे 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। तो जो हमारा प्योरी है उसी से मैं आटा लगा के तैयार कर रही हूँ। मिक्सी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि इसमें अभी भी पालक की प्योरी थी, तो उसे डाल करके मैं वापस से इसे मिक्स कर रही हूँ। इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो हमारा जो डो है रेडी है, आप देख सकते हैं डो लग के तैयार है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ऊपर से घी या तेल लगा करके। अभी 10 मिनट हो गए हैं, डो को वापस से एक बार के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने डो को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी इसी के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे पूरियां बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो थोड़े बहुत मैंने बॉल्स बना लिए हैं, तो इसे बेल के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसे बेलना शुरू कर दिया है। नॉर्मली जैसे आप पूरियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे बेलेंगे। पतले पतले शेप में मैंने इसे बेल लिया है। अभी एक तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए पहले ही से रख दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी पूरियां बना के तैयार कर लिया। अभी चलिए पूरियों को फ्राई करते हैं। तो पूरियां फ्राई करने के लिए तेल जो हमारा मीडियम हीट होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, हाई फ्लेम करेंगे। तो धीरे धीरे तेल उछला करके मैं पूरियां बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारी पूरियां फुल के तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरह बाकी सारी पूरियां बना के तैयार कर लेंगी। ये पूरियां जो है बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें पालक होता है। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते तो आप इस तरीके से पूरियां बना के खिला सकते हैं। तो हमारी एक पूरी बन के तैयार हो गई है, दूसरी पूरी भी मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं पूरियां हमारी एकदम फुली फुली बनके तैयार हो रही है। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारा प्योरी होता है, जो हमने पालक की प्योरी बनाई थी, एकदम स्मूथ बनानी है। अदरवाइज जो पूरियां हमारी फूलेगी नहीं। हमने प्योरी एकदम ही स्मूथ बनाया था, इसलिए हमारी पूरियां सारी एकदम फुली फुली बनके तैयार हो रही है।
तो यहाँ हमने काफ़ी सारी पूरियाँ बना के तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार ये पालक की पूरी ज़रूर बनाएं, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। आज मैं ये पालक की पूरी को आलू की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। मेरे बताए तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।